नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं डीजे लाइट ट्रिक्स। दोस्तों आज का वीडियो मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताने वाला हूं। ये देखिए जो कि आप लोगों के सामने दिख रहा होगा दोस्तों, 4i वाली पार लाइट जो कि दोस्तों ये RGB में है और ये देखने में बिल्कुल ब्लेंडर के जैसा दिख रही है। दोस्तों आज का वीडियो मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग के साथ, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डीजे वाले दोस्तों के साथ और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा ब्लेड और मैं अब इस डब्बे को काट रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसका पैकेजिंग काफ़ी अच्छा तरह से किया गया है। ये देखिए सबसे फर्स्ट में ही इससे कार्टून निकलता है फोम वाली, जो कि पैकिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखिए दोस्तों जो कि स्टैंड है, और इसका अंदर से ये देखिए दोस्तों जो कि दो बोल्ट्स निकले हैं जो कि इस स्टैंड को टाइट करने में हमें काम देगा। और ये देखिए दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा रोबो कंपनी की ओर से आने वाली नेम टू ट्रस्ट गोल्ड सीरीज, ये रोबो कंपनी की ओर से आने वाली पार लाइट है। डब्बे को साइड करते हैं दोस्तों और अब यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये प्लास्टिक में कवर है तो इस प्लास्टिक को मैं रखूँगा दोस्तों, क्योंकि जब इसे मैं रोड शो में यूज़ करूँ और जब पानी वगैरह आए तो उस समय बचाने के काम देगा, तो मैं प्लास्टिक को रख रहा हूँ। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसका मॉडल नंबर RX444, आप लोगों को कैमरा में दिख रहा होगा दोस्तों RX444 इसका मॉडल है, जो कि दोनों साइड ही स्टिकर लगाया गया है। और यहाँ पे आप लोग बैक साइड में देख सकते हैं दोस्तों जो कि पावर कोड दिया हुआ है इनपुट और आउटपुट, इसी से आप और भी पार लाइट को सीरीज कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग को अलग से कोई भी कोड नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि DMX से सीरीज करने के लिए आप लोग को XLR केबल भी मिल रहा है, जो कि काफ़ी लंबा है दोस्तों, ये अप्रॉक्स 2 मीटर का केबल है और 2 मीटर से ज़्यादा दूर में कोई इस लाइट को लगाता भी नहीं होगा शायद से। तो ये देखिए जो कि XLR मेल फीमेल वाली जैक है, बाकी इसका टेस्टिंग में मैं करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। और ये देखिए जो कि बिल्कुल ब्लेंडर के जैसा दिखने वाला ही पार लाइट है दोस्तों, आप लोग गौर कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कैमरा फोकस कर रहा होगा तो हीट सिंक काफ़ी मोटा है दोस्तों। ये देखिए ये जो लाइट है जब ये जलता है तो हीट काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए हीट सिंक भी लगाया गया है कंपनी की ओर से, और हीट सिंक काफ़ी मोटा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट इस क्लिप को लगा देता हूँ, इस स्टैंड को यहाँ पर हम सेट कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 2 लाइट को अनबॉक्सिंग कर दिया हूँ और दोनों को एक साथ चला करके और देखने वाला हूँ। फिलहाल मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ दोस्तों, जैसे कि इस पार लाइट से मैं इसको सीरीज करूँगा तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर XLR को जो आउट वाला जैक होता है, इस जैक को इसके अगले वाले पार लाइट का इनपुट से जोड़ना होता है। ये देखिए इसे हम यहाँ पर जोड़ दिए और इस वाले पावर लाइट का जो ये पावर केबल है दोस्तों ये लग जाएगा लाइन में, और ये दूसरा जो पावर कोड है जो कि फीमेल में है ये अगले वाले पावर लाइट का मेल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। और अब मैं यहाँ पे लाइन दे करके और इसे चेक करने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैं अब यहाँ पर लाइन देने जा रहा हूँ और अब दोनों पार लाइट ये देखिए सेम चल रहा है दोनों दो।
ये देखिए दोस्तों, मैं केवल दोनों को सीरीज कर दिया हूँ और दोनों बिल्कुल सेम मोड में चल रहा है। जैसे ये फर्स्ट वाला काम कर रहा है वैसे ही सेकंड वाला भी काम कर रहा है। यहाँ पर मैं DMX का भी यूज नहीं किया हूँ, DMX चलाया हूँ तो शायद इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल इसमें सेटिंग कर रहा हूँ। ये देखिए ये कौन सा मोड में है, इसे देख लेते हैं। दोस्तों ये CC90 पे है, तो यहाँ पर मैं ये देखिए मैं इसमें मोड को चेंज कर रहा हूँ, ये दोनों एक साथ काम कर रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पर इसे अब इंटर एक बार दबा देता हूँ और अब इसको ये देखिए और इसको मैं देख लेता हूँ। दोस्तों तो दोस्तों ये वाला पार लाइट DMX मोड पे था जो कि A001 पे, इसलिए दोनों सेम मोड में चलने लगा। दोस्तों मैं फिलहाल इसे मैं आप लोगों को दीवार की ओर घुमा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ब्राइटनेस देखिए आप लोग, काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस है। यहाँ पर दो ही पार लाइट में ऐसा लग रहा है जैसे कि 4-6 पार लाइट जल रहा है और उसके जैसा इसमें ब्राइटनेस है। मैं आप लोगों को रनिंग वाला मोड इसमें ऑन करके दिखाता हूँ। दोस्तों दोस्तों अगर आप लोग फ्लैशिंग में देखेंगे तो फ्लैशिंग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आप लोग इसमें बिल्कुल ब्लेंडर का फीलिंग आने वाला है। आप लोग दोस्तों यहाँ पर फ्लैशर वाली स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं पीछे से, अगर आप DMX यूज ना कर रहे हो तो। बाकी अगर DMX यूज करेंगे तो इससे अच्छा रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इधर पार लाइट जो कि अभी सिंगल मोड पे जल रहा है, ये देखिए अभी डबल मोड पे आ चुका है और इसका ब्राइटनेस इधर देखिए आप। रूम में हालांकि ब्राइटनेस का पता कम ही चल पाएगा, इसे मैं आउटडोर में आप लोग को टेस्टिंग करा दूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा DJ वाले दोस्तों के साथ और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं फिर मिलता हूं इसका नेक्स्ट वीडियो में और इसकी प्रोग्रामिंग को वीडियो को लेकर के मैं आऊँगा इसका नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जो कि DMX 512 के साथ होगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, फिर मिलता है इसका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हो।